हे माय बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब? गुड। हाँ, आई नो, मैं BTSC कोई अपडेट नहीं दे रही हूँ आजकल। इसके दो रीज़न हैं। एक तो मैं फेस्टिवल की वजह से सुपर डुपर डुपर बिजी हूँ। दूसरा रीज़न, आपको पहले से ही दूसरे चैनल से अपडेट मिल जाती है। सो एनीवे, एल्बम रिलीज़ के बाद JK ने टुडे शो में, जो न्यूयॉर्क में होता है, परफॉर्म किया था। उन्होंने 3 सॉन्ग गाए थे, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, 3D और 7। फैंस का कहना था कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, फिर भी JK ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन JK का कुछ और ही सोचना था। JK ने व्यूअर्स पर पोस्ट करके लिखा, आर्मी मुझे माफ़ करें, मैंने लाइव में गड़बड़ कर दी, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मैं अगले लाइव परफॉर्मेंस में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। आर्मी इससे पूरी तरह डिसएग्री करती है। आर्मी कह रही थी कि हमें तो एक भी ऐसा पार्ट नहीं मिला जहाँ गड़बड़ हुई हो, तीनों परफॉर्मेंस परफेक्ट थी। परफॉर्मेंस से पहले JK अपने स्टाफ से कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मैं गा नहीं सकता, और हवा चल रही है, सांस लेना मुश्किल है क्योंकि हवा मेरी नाक से होकर गुजर रही है। मे बी शायद इसकी वजह से JK को लगा हो कि उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। पर आर्मी तो खुश थी JK की परफॉर्मेंस से, फैंस खुश तो सब परफॉर्मेंस अच्छी हैं। पर JK का ऑनलाइन ऐसे माफ़ी मांगना, ये दिखाता है कि वो एक प्रोफेशनल और डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट हैं। ग्रेट। वैसे इसी शो में JK को एक प्यारी प्यारी बच्ची मिली। इसका 10th बर्थडे था। 10th बर्थडे के दिन अपने फेवरेट आर्टिस्ट से मिलने का मौका, वाओ। JK का आई लव यू सुनकर ही ये रोने लगी थी। और दैट्स सो प्योर। RM032C मैगजीन #44 के कवर पर खूब ट्रेंडिंग में रहे हैं। लोगों का ध्यान सबसे ज़्यादा जा रहा उनके स्नैक सॉक्स पर। अजीब है ना? $850 के हैं ये, लगभग 70,000 के आसपास, 70,000। वाओ, फैशन समझना हमारी बस की बात नहीं है। हम अपने 50 रुपये के सॉक्स के साथ ही खुश हैं। एनीवे, आई एम लुकिंग हॉट, आई मीन गॉर्जियस। आरम एक और वजह से भी ट्रेंडिंग पर थे, और वो है 2 बिलियन। यस, आरम के स्पॉटिफाई पर 2 बिलियन से ज़्यादा स्ट्रीमिंग हो चुकी है। सो कंग्रेचुलेशन आरम। जब भी ब्लैकपिंक और BTS के मेंबर की कोई न्यूज़ साथ में आती है तो फैन एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे अभी आरम और जैनी की फ़ोटो देखकर एक्साइटेड थे। नहीं, एक्चुअली दोनों एक साथ नहीं थे, एक शो में थे, सोयून के कॉन्सर्ट में। सोयून का हाल ही में कॉन्सर्ट था, तो वहाँ जैनी और आरम दोनों गए हुए थे। सोयून ने ये फ़ोटो शेयर की थी, इससे आर्मी बहुत एक्साइटेड थी। ओ हाँ, नामजून ने कुछ दिन पहले फ़ोटो शेयर की थी जिसमें उनके आईज़ में चोट लगी थी। आईज़ बहुत सेंसिटिव होती है, उसके आसपास चोट लगना सच में बहुत डरावना है। आई होप ज़्यादा चोट ना लगी हो। जेहोप एक इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन के होस्ट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर डिफेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। मिलिट्री कैंप में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें से एक ये कुकिंग कॉम्पिटिशन भी है। साउथ कोरिया, अमेरिका और सिंगापुर की डिफेंस फोर्स, मतलब उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके बीच कुकिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो सियोल में होना था। तो इसके लिए जेहोप और एक दूसरे TV एंकर को MC बनने को कहा गया था। जेहोप भी रेडी थे, पर लास्ट मोमेंट पर डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहकर जेहोप को मना कर दिया कि भले ही जेहोप कितने बड़े स्टार हो या कितने फेमस हो, पर यहाँ हम सभी ऑफिसर और ट्रेनिस को एक समान तरह से ट्रीट करते हैं। बात तो सही है, जेहोप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, अभी उनकी सारी जिम्मेदारी अपने कैंप को लेकर है। फिलहाल जेहोप एक कॉर्पल ऑफिसर हैं, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। मतलब जेहोप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। JK को 7 सॉन्ग के लिए US प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिला है। US प्लेटिनियम सर्टिफिकेट का मतलब है JK का जो 7 सॉन्ग है वो सिर्फ अमेरिका में ही उसकी 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिकी है। मतलब सीरीज़ ये फिज़िकल और ऑनलाइन दोनों हो सकती है। इसके अलावा विकी लेवर को जापान की तरफ से प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिला है, ये भी सेम US अमेरिका प्लेटिनियम सर्टिफिकेट जैसा है। इससे पहले ये प्लेटिनियम सर्टिफिकेट सोलो में जिमिन के फेस एल्बम को मिला था। जिमिन वो पहले सोलो आर्टिस्ट थे जिन्हें RIAA की तरफ से प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिला था। सो कंग्रेचुलेशंस विमिन कुक। बाकी शुगा और जिन मिलिट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो जिमिन ने अपने लाइव में बता ही दिया था।
ओके देन, दिवाली की वजह से मैं सुपर सुपर बिजी हूँ, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ अभी। आई एम सो सॉरी, दिवाली के बाद मिलती हूँ। ओके देन, टेक केयर, सी यू अगेन।